नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आज हम तिब्बती बौद्ध धर्म की कर्मपा परंपरा की यात्रा पर निकल रहे हैं। यह परंपरा काग्युपा संप्रदाय का एक अभिन्न अंग है, जो बुद्ध की शिक्षाओं का एक शुद्ध और प्रामाणिक प्रवाह है। इस श्रृंखला में हम कर्मपा परंपरा के इतिहास, प्रमुख आंकड़ों और दुनिया पर इसके गहन प्रभाव का पता लगाएंगे। आइए हम साथ मिलकर इस ज्ञानवर्धक यात्रा पर आगे बढ़ें। तिलोपा के शिष्य नारोपा एक विद्वान और योगी थे, जिन्होंने अपने गुरु की शिक्षाओं को आत्मसात किया और उन्हें आगे बढ़ाया। नारोपा की शिक्षाएं काग्युपा परंपरा की आधारशिला बनी। मार्पा लोत्सावा भारत से तिब्बत तक इन शिक्षाओं का प्रसारण मार्पा लोत्सावा की अटूट भावना के माध्यम से हुआ, जो नारोपा के एक समर्पित शिष्य थे। तिब्बत लौटने पर मार्पा एक आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ बन गए। उनका सबसे प्रसिद्ध शिष्य मिलारेपा था, जो एक योगी, कवि और तिब्बती संस्कृति में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। मिलारेपा की वंशावली उनके शिष्य गंपोपा के माध्यम से जारी रही, जिन्होंने तिब्बत में काग्युपा परंपरा को औपचारिक रूप दिया और उसका आयोजन किया। तिब्बत बर्फ से ढके पहाड़ों और ऊंचे पठारों की भूमि हमेशा से आध्यात्मिक साधकों के लिए एक चुंबक रहा है। यह इस पवित्र भूमि में था कि मार्पा लोत्सावा, नारोपा के एक समर्पित शिष्य, भारत से बुद्ध की शिक्षाओं की अमूल्य भेंट लेकर आए। मार्पा लोत्सावा मार्पा एक अथक अनुवादक और शिक्षक थे, जिन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया कि नारोपा की शिक्षाओं को उनकी मूल शुद्धता में संरक्षित और प्रसारित किया जाए। मार्पा के बीच एक शिष्य सामने आया जो तिब्बती बौद्ध धर्म के इतिहास में एक महान व्यक्ति बन जाएगा, मिलारेपा, योगी, कवि और संत। मिलारेपा अपनी युवावस्था में मिलारेपा ने कठिनाइयों और कष्टों का अनुभव किया, जिससे उन्हें काले जादू का ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसका उपयोग उन्होंने प्रति तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों और गहरी घाटियों के बीच एक नए आध्यात्मिक युग की शुरुआत हो रही थी। यह भूमि, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए जानी जाती है, एक महान परिवर्तन के कगार पर थी। काग्युपा परंपरा, जो अपने संस्थापक गंपोपा की दूरदर्शिता और प्रयासों के माध्यम से पनपी थी, एक ऐसे नेता के उभरने का गवाह बनने वाली थी। दुसुम खेनपा प्रथम कर्मपा। गंपोपा ने अपने जीवन काल में काग्युपा परंपरा को मजबूत नींव प्रदान की थी और अब यह परंपरा एक नए युग में प्रवेश करने वाली थी। 1110 में पैदा हुए दुसुम खेनपा एक असाधारण बच्चे थे, जो कम उम्र से ही असाधारण बुद्धिमत्ता, करुणा और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्रदर्शित करते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिकता ने उन्हें अपने साथियों से अलग बना दिया था और यह स्पष्ट था कि वे एक विशेष उद्देश्य के लिए पैदा हुए थे। दुसुम खेनपा के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात तीसरे काग्यु गुरु गंपोपा के शिष्य खोतन ब्लोग्रोस रग्याल बत्सन से हुई। इस मुलाकात ने उनके जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें काग्युपा परंपरा के गहरे ज्ञान और अभ्यास में डूबने का अवसर प्रदान किया। अपने गुरु के मार्गदर्शन में दुसुम खेनपा ने ध्यान, अध्ययन और अभ्यास में खुद को विसर्जित कर दिया। उन्होंने अपने गुरु से सीखे गए ज्ञान को आत्मसात किया और उसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया। उनके समर्पण और तपस्या ने उन्हें एक महान आध्यात्मिक नेता के रूप में उभरने में मदद की। यह इस पृष्ठभूमि पर था कि दुसुम खेनपा को प्रथम कर्मपा के रूप में मान्यता दी गई थी। यह मान्यता न केवल उनके व्यक्तिगत गुणों का प्रमाण थी, बल्कि उनके गुरु और परंपरा के प्रति उनकी निष्ठा और समर्पण का भी प्रतीक थी। प्रथम कर्मपा के रूप में दुसुम खेनपा ने न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान किया, बल्कि काग्युपा परंपरा के संगठन और प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने अनुयायियों को न केवल ध्यान और साधना के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया, बल्कि उन्हें संगठित और एकजुट भी किया। दुसुम खेनपा की शिक्षाएं उनके पूर्ववर्तियों की अंतर्दृष्टि और करुणा पर आधारित थी। उन्होंने अपने पूर्वजों के ज्ञान को आगे बढ़ाया और उसे अपने अनुयायियों के बीच फैलाया। उनकी शिक्षाओं ने न केवल उनके समय में बल्कि आने वाली पीढ़ियों में भी गहरा प्रभाव डाला। प्रथम कर्मपा एक विपुल लेखक और विद्वान भी थे। उनके लेखन और शिक्षाओं ने काग्युपा परंपरा को समृद्ध किया और उसे एक मजबूत बौद्धिक आधार प्रदान किया। उनके कार्यों ने तिब्बती बौद्ध धर्म के अध्ययन और अभ्यास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दुसुम खेनपा प्रथम कर्मपा के रूप में ने तिब्बती बौद्ध धर्म के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी शिक्षाएं, उनके कार्य और उनका जीवन आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनके योगदान ने तिब्बती बौद्ध धर्म को एक नई दिशा दी और उसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया।
चैप्टर 4 पुनर्जन्म और नवीकरण द कर्मापा लिनिएज अनफोल्ड्स। दुसुम खेनपा प्रथम कर्मपा के निधन के साथ ही तिब्बती बौद्ध धर्म में एक नया अध्याय शुरू हुआ। पहली बार पुनर्जन्म या तुल्कु की अवधारणा को एक आध्यात्मिक वंश के संरक्षण के लिए एक जानबूझकर साधन के रूप में नियोजित किया गया था। प्रत्येक कर्मपा को अपने पूर्ववर्ती के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप में पहचाना जाता है। प्रथम कर्मपा के बाद से 17 मान्यता प्राप्त कर्मपा रहे हैं। पुनर्जन्म की प्रक्रिया, जबकि कर्मपा वंश के लिए केंद्रीय है, रहस्य और विस्मय से रहित नहीं है। इस खोज में वर्षों लग सकते हैं। कर्मपा वंश के भीतर पुनर्जन्म की अवधारणा कर्म और पुनर्जन्म के बौद्ध सिद्धांतों में गहराई से निहित है। यह निसैनिक और करुणामयी कार्य कर्मपा परंपरा के सार को दर्शाता है। चैप्टर 5 पवित्र स्थान और स्थायी विरासत। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच, तिब्बती पठार के ऊबड़ खाबड़ परिदृश्य के बीच कर्मपा परंपरा से जुड़े पवित्र स्थान खड़े हैं। ये स्थान न केवल भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक भी हैं। इन स्थलों की पवित्रता और महत्व ने सदियों से अनगिनत तीर्थयात्रियों और साधकों को आकर्षित किया है। कर्मपा वंश की सीट सुरफू मठ तिब्बत के टोलुंग घाटी में एक ऊंची चट्टान पर स्थित है। यह मठ न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर भी है, जो तिब्बती बौद्ध धर्म के विकास और प्रसार का साक्षी रहा है। अपनी स्थापना के समय से सुरफू मठ ने तिब्बती बौद्ध धर्म के भीतर सीखने, ध्यान और सांस्कृतिक संरक्षण के एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य किया है। यहाँ परंपरागत बौद्ध शिक्षाओं का अध्ययन और अभ्यास होता है, जो नई पीढ़ियों को आध्यात्मिक ज्ञान और सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ता है। सुरफू मठ न केवल अपने धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए, बल्कि अपने स्थापत्य और कलात्मक वैभव के लिए भी प्रसिद्ध है। इसकी भव्य इमारतें और कलात्मक कृतियां तिब्बती कला और संस्कृति की उत्कृष्टता को दर्शाती हैं। सुरफू मठ के सबसे पवित्र स्थलों में से एक प्रथम कर्मपा दुसुम खेनपा का मकबरा है। यह मकबरा न केवल एक श्रद्धांजलि स्थल है, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत भी है, जो भक्तों को कर्मपा की शिक्षाओं और उनके जीवन के आदर्शों की याद दिलाता है। जबकि सुरफू मठ कर्मपा वंश के लिए बहुत महत्व रखता है, यह एकमात्र पवित्र स्थान नहीं है। तिब्बत और इसके बाहर कई अन्य मठ और स्थल हैं, जो कर्मपा परंपरा से जुड़े हैं और उनकी शिक्षाओं को संरक्षित और प्रसारित करते हैं। इन पवित्र स्थानों में रुमटेक मठ, जो भारत के सिक्किम में एक सुरम्य पहाड़ी पर स्थित है, विशेष प्रसिद्धि रखता है। यह मठ न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। सुरफू मठ और रुमटेक मठ, साथ ही अनगिनत अन्य पवित्र स्थल जो कर्मपा परंपरा से जुड़े हैं, आध्यात्मिक शक्ति, ज्ञान और करुणा के स्थायी प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं। ये स्थल न केवल भौतिक संरचनाएं हैं, बल्कि जीवंत धरोहरें हैं, जो हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं और भविष्य के लिए प्रेरणा प्रदान करती हैं। चैप्टर 6 वर्तमान समय में एक जीवंत विरासत द 17th कर्मपा। आज इस प्राचीन और पूरे विश्व में विख्यात परंपरा को 70वें कर्मपा त्रिणले थाय दोर्जे के रूप में जाना जाता है। त्रिणले थाय दोर्जे का जन्म 1983 में तिब्बत में हुआ था और उन्हें बहुत ही कम उम्र में कर्मपा के रूप में मान्यता दी गई थी। कम उम्र से ही 70वें कर्मपा ने असाधारण बुद्धिमत्ता, करुणा और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का प्रदर्शन किया। उनके अनुयायियों का कहना है कि उन्होंने बचपन से ही गहन ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास में गहरी रुचि दिखाई। त्रिणले थाय दोर्जे, मेरे लिए करुणा और ज्ञान केवल अवधारणाएं नहीं हैं, वे सिद्धांत हैं जिनसे मैं अपने जीवन का मार्गदर्शन करता हूं। उनके ये शब्द उनके जीवन और कार्यों में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। 70वें कर्मपा के नेतृत्व को शिक्षा, संस्कृति और मानवीय सहायता के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता से चिह्नित किया गया है। उन्होंने कई शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की है और तिब्बती संस्कृति को संरक्षित करने के लिए कई पहलें शुरू की हैं। अपनी आध्यात्मिक भूमिका के अलावा 70वें कर्मपा कला, विशेषकर चित्रकला, कविता और फोटोग्राफी में भी रुचि रखते हैं। उनकी कला में तिब्बती संस्कृति और आध्यात्मिकता की गहरी झलक मिलती है। 70वें कर्मपा के नेतृत्व में कर्मपा परंपरा का विकास और विकास जारी है। उन्होंने पारंपरिक तिब्बती बौद्ध शिक्षाओं को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जैसे जैसे हम 21वीं सदी में आगे बढ़ रहे हैं,
70वें कर्मपा की उपस्थिति आशा, प्रेरणा और याद दिलाती है कि ज्ञान, करुणा और आध्यात्मिक परिवर्तन की शक्ति की बुद्धि अभी भी हमारे भीतर गहराई से मौजूद है। उनके नेतृत्व में तिब्बती बौद्ध धर्म की यह परंपरा न केवल जीवित है बल्कि फल फूल रही है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी विरासत छोड़ रही है। उत्तरो भविष्य की ओर देखना, कर्मपा विरासत का स्थायी प्रभाव कर्मपा परंपरा जो 1000 साल से भी पहले की है, एक उल्लेखनीय लचीलापन, अनुकूलन क्षमता और सभी प्राणियों को लाभान्वित करने की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि कर्मपा परंपरा का दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए हम सभी 70वें कर्मपा के नेतृत्व का समर्थन करने और सभी प्राणियों के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण, न्याय संगत और दयालु दुनिया बनाने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रेरित हों।